हेलो जी, देखिए ये छत पे मैंने एक अच्छा सा केमिकल बना के लगाया है। दोस्तों, सीलन की परेशानी हर घर में होती है। कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छे सीमेंट लगा लो या उसमें केमिकल डाल लो, फिर भी छत पे कहीं ना कहीं दरारें आ ही जाती हैं, जिससे छत टपकना शुरू हो जाती है। तो देखिए, मेरे छत पे मार्बल डाला हुआ था तो उसके बीच में जो शीशा होता वो निकल चुका था, जिससे सीलन आने का डर था। तो मैंने ये आइडिया कहीं देखा था, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने लिया है पेट्रोल, ये देखिए, अब दो चीज़ों से बन के अच्छे से तैयार होता है। और पेट्रोल में क्या करेंगे, और ये देखिए, कोई भी नया सामान हमारे घर में आता है तो उसमें थर्माकोल तो ज़रूर होता है, तो थर्माकोल का ऐसे इस्तेमाल भी होता है, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये आइडिया मेरा नहीं है, ये मैंने कहीं देखा है तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये अच्छे से पेट्रोल में पिघल जाएगा, ये देखिए बहुत इजी तरीके से पिघल जाता है। और इससे एक अच्छा सा लिक्विड सा एकदम अच्छा सा लिक्विड बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों, इसमें देखो, पेट्रोल मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि मेरी छत में ज़्यादा है थोड़ी सी दरारें, तो आप कम ले लीजिए, जितना आपके यहाँ दरार हो उतना लीजिए। तो ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी थर्माकोल, और ये देखिए कितने अच्छे से पिघलना शुरू हो गया है। और मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी कैसा बन के रेडी होता है। दोस्तों, इसको धीरे धीरे करके हम पिघलाते रहेंगे जब तक ये सारा पेट्रोल अच्छे से इसमें घुल ना जाए। और उसके बाद ये आइडिया बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये आइडिया आजमाया हुआ है किसी का, तो उन्होंने बताया था, और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितना अच्छा आइडिया ये है, और आपका कम पैसे लगेंगे और काम भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए इसको, और इसको किसी नाइफ़ की मदद से ही घोलें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थर्माकोल डालें। जितना ज़्यादा थर्माकोल डालोगे उतना ज़्यादा एक लिक्विड बन के तैयार होएगा, क्योंकि मैंने कितना सारा ये थर्माकोल डाल दिया है, और उसके बाद ये लिक्विड बन के रेडी होएगा। और थोड़ा सा तसल्ली के साथ ये काम करें, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से। और सीलन की परेशानी पता है पूरे घर को ख़राब कर देती है दोस्तों, और सीलन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट ये अच्छा सा तरीका है जो मैंने आजमाया है। तो इसको अब क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से अच्छे से घोल लेंगे, ये देखो जी। अभी लेकिन इसमें पेट्रोल और है, तो इसमें हम थोड़ा सा थर्माकोल और डालेंगे। और आप ये मत सोचना कि पेट्रोल का कोई गलत इस्तेमाल है, ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होके हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा से लिक्विड बन गया है। और थर्माकोल को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा सा ये लिक्विड बन गया है, लेकिन पेट्रोल इसमें अभी बहुत है, तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से शीशा निकला हुआ है, इसमें अभी ये मैं अच्छे से लिक्विड ये भर दूँगी। और थोड़ा सावधानी से करें, और पूरी छत पर मैं ऐसे ही ये सारा लिक्विड मैं भर दूँगी दोस्तों। बहुत सारी ये सारे शीशे हटे हुए हैं उस कारण, लेकिन धीरे धीरे आपने तसल्ली के साथ करना है, क्योंकि ये कम से कम एक घंटे तक तो ये जमेगा नहीं, लेकिन एक घंटे के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए फटाफट इसमें भरें। तो ये देखिए दोस्तों, दो दिन के बाद कितने अच्छे से ये एकदम चिपक गया है, और ये देखिए एकदम प्लास्टिक सा लग रहा है, और इसमें अच्छे से ये सब चीज़ कवर कर ली है। और मैंने जहाँ जहाँ ये शीशा हटा हुआ था वहाँ मैंने सब जगह भर दिया है, और पानी इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और छत पे देखो कितना पानी है मेरे, फिर भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और सीलन इससे नहीं आएगी। दोस्तों, अगर मेरा आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी जो भी आपके घर में जहाँ पे भी सीलन है, दरार है, तो उसमें ये अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में ये बना के पेट्रोल और थर्माकोल का इस्तेमाल करें। देखिए कितना हार्ड हो चुका है, ये देखिए जी। और आप अगर मिस्त्री से आइडिया पूछेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो अच्छे से अच्छा केमिकल के साथ सीमेंट के साथ आपको आइडिया देगा, लेकिन ये आइडिया कितना अच्छा है, जो खुद भी आप कर सकते हो, घर के बच्चे भी को भी समझाओगे, वो भी
ये काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, छत मेरी पूरी मैंने ये सारा भर दिया है। तो धन्यवाद आप सभी का, और पैसे बचाएं और अच्छे से अच्छा आइडिया दिया मैंने आप लोगों को, तो इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।